हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग और आज है इसकी सिक्स्थ क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज लेक्चर देख लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से, उसके अंदर सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे सीरियल ऑर्डर के साथ। और अगर आप प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको हर चैप्टर कितनी देर का है वो भी पता लग जाएगा। देखो बच्चों, अभी तक हम ये सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन आपको याद नहीं करना, सिर्फ रीड करके छोड़ देना है, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। आज जो बच्चों हमारी क्लास का टारगेट है वो है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको करेंगे आज हम खत्म। लेकिन उससे पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक मिनट में करेंगे रिवाइज, जिससे हमारा एक फ्लो बन जाए और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो मैंने बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो कि कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। क्यों बनाता है? जिससे वो टास्क को अचीव कर पाए। और वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको फॉर्मल फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। इसके हमने बहुत सारे फीचर देखे थे। पहला, ये जॉब पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, कौन किससे कैसे रिलेटेड है, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। सेकंड, हमने देखा था ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक जरिया होता है, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं। थर्ड, हमने देखा था सारे एफर्ट जो डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फिर हमने देखा था ये टॉप मैनेजमेंट जानबूझ के बनाता है, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। लास्ट, यहाँ पे काम पर फोकस ज्यादा होता है, ना कि रिश्तेदारी पे, मतलब रिलेशनशिप्स पर। एडवांटेजेस, इसके अंदर हमने पांच एडवांटेजेस देखे थे। पहला, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है। सेकंड, यहाँ पे काम को लेकर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। थर्ड, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड हम मेंटेन रखते हैं। फोर्थ, गोल्स हम इफेक्टिवली अचीव कर लेते हैं। और फिफ्थ, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। और लिमिटेशन हमने इसके अंदर तीन देखी थी। पहला, यहाँ पे प्रोसीजरल डिले होता है क्योंकि स्केड्यूल चेंज फॉलो करनी पड़ती है। सेकंडली, क्रिएटिव टैलेंट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेबिट करने नहीं देते हैं। और लास्ट, हमने देखा था यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा दिक्कत का काम हो सकता है। तो ये थी हमारी क्या लिमिटेशंस ऑफ व्हाट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलग से कोई बिल्डिंग नहीं होती है, अलग से कोई ऑफिस नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर जाके आपकी दोस्ती बन जाती है, वो ग्रुप बन जाता है चार पांच लोगों का, तो उस ग्रुप को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। आया समझ में? फिर से रिपीट करता हूं, जिस बिल्डिंग में आप काम करने जाते हो, जिस ऑफिस में काम करने जाते हो, सीनियर जूनियर होते हैं, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। लेकिन वहां जाके जब आपके लोगों से दोस्ती हो जाती है, वहां जाके आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स को, उन दोस्तों को हम कंबाइंड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है, दोस्तों में, ग्रुप्स में कोई भी फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई स्केलर चेन वगैरह नहीं होती है। समझ में आया? क्लियर? रीड करें। चलो एक एग्जांपल होता है, आप स्कूल में हो, तो स्कूल में टीचर और आपके स्टूडेंट्स, ये क्या है? सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन आपके कुछ दोस्त हैं, तो वो जो दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से क्या निकलता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकलता है। तो कह सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ मदर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क प्लेस गिव अ राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्ती है, सोशल रिलेशनशिप्स है लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। आगे क्या दे रखा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एग्रीगेट, मतलब टोटल है किस चीज का? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द जॉइंट रिजल्ट। मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप दोस्ती वगैरह नहीं करते हो, बट हाँ, मिलकर काम कर सकते हो, मिलकर रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसली, ध्यान से, किसी पर्पस के लिए आप दोस्ती नहीं करते हो। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या? एक नेटवर्क है किस चीज के बीच में? पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप के बीच में, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, बट क्योंकि आप एक दूसरे से मिलते हो इसलिए बन गया है। ध्यान रखना, कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता है, बट आप
दोस्ती यारी बनती ऑब्वियस ही बात है, जब चार लोग 10 महीने एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमको पता लग गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच का? एम्प्लॉयज के बीच का, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे। उन्होंने और कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं। क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, कॉफी पी रहे हो भैया, ठीक है। इंफॉर्मलाइजेशन, कोई रिटन रूल्स नहीं होते, कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, आपको कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी होती है। समझ में आ गया? टाइम पास वाली बातें हैं, क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स की। कैसे पता लगेगा कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है? पहला, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकल कर आता है, क्योंकि जहां पर जब लोग इंटरेक्ट करेंगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही बन जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेट या कोई कॉम्प्लेक्स बातें नहीं दे रखी। सेकेंडली, लोगों का आपस में जो रिलेशन आकर इसमें जो बिहेवियर है वो ग्रुप्स में जैसे आपकी बातचीत चल रही है उसके हिसाब से होता है, ना कि जॉब पोजीशन के हिसाब से कौन सीनियर है कौन जूनियर है। आप किसके हिसाब से बात होती है? जैसा आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो। किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आपकी बात नहीं होती है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बोलने के लिए या फिर आपको डोर को नॉक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। थर्ड क्या दे रखा है? इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपको स्केलर चेक को फॉलो नहीं करना पड़ता। आपका जिससे मन आएगा आप उससे बात करोगे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में बात नहीं करना, ये गैंग प्लैंक फॉलो नहीं कर सकते, सीरियल ऑर्डर से चलना, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट चैनल है, जिससे मन में आप उससे बात कर सकते हो। इसके अलावा डी पॉइंट क्या देगा फीचर के तौर पे? ये स्पॉन्टेनियसली बनता है और ये टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाता है। मान के चलो आप किसी से मुस्कुराए, आपकी बातचीत चालू हो गई, दोस्ती हो गई, तो ये स्पॉन्टेनियसली चालू होता है। टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाता है कि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे, हम सभी दोस्ती यारी करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसा नहीं सोचता है। और लास्ट क्या दे रखा है? इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, बट एक कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर और फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या? जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोडक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद हमने देखा हर एक के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है। बट इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई किसी का बॉस नहीं होता, कोई किसी का जूनियर यहाँ पर नहीं होता है। समझ में आ गई पॉइंट? ओके, तो ये थे हमारे फीचर्स। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बनता है। सेकंडली, यहाँ पे जो बिहेवियर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, आपके नॉर्म्स से बनता है, ग्रुप में कैसे आप बिहेव कर रहे हो। थर्ड, यहाँ पर इंडिपेंडेंट चैनल कम्युनिकेशन है, स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी होती है। फोर्थ, ये टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाता बल्कि स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। और फिफ्थ, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों को पॉइंट अच्छे से? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट क्या दे रखा है? एडवांटेजेस पर आ गए। फायदे क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? पहला, क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैलती है और बहुत जल्दी फीडबैक भी आता है। इसका आप एग्जाम्पल अपने स्कूल में ले सकते हो। कहीं एक जो हमारी जो एक आंटी होती है जो एक रजिस्टर लेके घूमती है, तो क्या होता है, सबको पता लग जाता है कि कल छुट्टी है। लगता है कि नहीं लगता? एक मिनट के अंदर स्कूल में खबर फैल जाती है कि कल की छुट्टी है, होता ही नहीं होता। या फिर एक एग्जांपल मान के चलो, हमारी क्लास में कोई कपल बना है, अगले दिन पूरी क्लास को पता होता है कि हाँ भाई कपल बन चुका है, होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? इनफॉर्मल के अंदर होता है। सेकेंडली, इट फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है। It allows find to like-minded people और enhances job satisfaction, क्योंकि यहाँ पे sense of belongingness रहती है। देखो, हमने formal organization की limitation देखी थी कि यहाँ पर वहाँ पर काम पर focus ज़्यादा किया जाता है, ना कि relationships पर। लेकिन informal organization के ऊपर relationships पर feel importance ज़्यादा दी जाती है। आप अपने जैसे लोगों के संग बैठते उठते हो, बात करते हो, तो आपका एक bond बना रहता है, एक belongingness रहती है, group रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ चलो मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये एडवांटेज होता है किस चीज का? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फिफ्थ क्या दे रखा है? यहां पर जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमियां हैं, आई रिपीट, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो भी कमियां हैं, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर देता है। कैसे करता है? इसका एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी एसएनआई से पूछी जाती है। तो क्या दे रखा है? एम्प्लॉयज रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान एंड पॉलिसी कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क। जैसे मान के चलो हमने ऑफिस के अंदर
एक क्लाइंट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि ऑफिस में अगर मैं बॉस हूँ, मेरे साथ एम्प्लॉयज है, तो ऑफिस में मुझसे वो ओपनली बात नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलो शाम को हम मिल रहे हैं, कॉफी में मिल रहे हैं, दारू पे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, तो वहां पर वो बता सकते हैं यार सर मजा नहीं आया आपके प्लान में। तो क्या है यहाँ पर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओपनली नहीं बोल पाते, क्योंकि ओपनली अगर बोलने पर आ गए तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसकी भरपाई कर देते हैं। तो मतलब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कमियां हैं वो कौन पूरी कर देता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर देता है। समझ में आ रही पॉइंट? ओके, तो ये थे बच्चों हमारे कुछ तीन एडवांटेजेस। समझ में आ रहा है? ओके, अब बच्चों बात करते हैं लिमिटेशंस की, डिसएडवांटेजेस की, और करते हैं आज की क्लास को एंड। क्या दे रखा पॉइंट बच्चों, रीड करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि बच्चों यहां पर इंफॉर्मेशन तो तेजी से फैलती है, लेकिन अफवाहें र्यूमर्स भी काफी तेजी से फैलते हैं, और ये कभी कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, कभी कभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान के चलो किसी ने, एक लड़का लड़की कोई दोस्त थे, शाम को ट्यूशन के बाद किसी ने देख लिया, अगले दिन क्लास में पूरी खबर फैल जाती है कि भैया उनका बीच में चक्कर चल रहा है। तो ये क्या, एक र्यूमर फैल गया, तो हर कोई उसे चढ़ा रहा है, ओहो आइसक्रीम ट्यूशन के बाद। तो ये क्या हो रहा है, ये र्यूमर फैलाया जा रहा है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी र्यूमर होता है कि किसी को निकालने वाले हैं, किसी को प्रमोशन मिलने वाला है, या फिर बॉस सेक्रेटरी का कुछ चल रहा है। तो ये क्या है, र्यूमर्स काफी तेजी से फैलते हैं, और यहाँ पर फिर बदनामी होती है, लोगों को नौकरी से भी निकाला जाता है, और दिक्कत काफी से फेस करनी पड़ जाती है। क्लियर हो रहा पॉइंट? ओके, सेकंड क्या दे रखा है, द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम एंड सच रेजिस्टेंस कैन डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। मतलब ये, मान के चलो टॉप मैनेजमेंट है, वो बोल रहा है कि हमको ये पॉलिसी में चेंज लेकर आना है, या काम करने के तरीके में ये चेंज लेकर आना है, लेकिन हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला कि मजा नहीं आया, ठीक है, तो हम सब मिलके बोलेंगे नहीं सर हम अलाउ नहीं करेंगे, सर ऐसा नहीं करना चाहिए, सर वैसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में भी चला जाता है, और उनके लिए वो काम करने नहीं देता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में एक सिंपल सी चीज यही होती है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आप जो चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो रुक जाते हैं। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू द ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। क्या मतलब है समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलो पांच छह दोस्तों का एक ग्रुप है, पांच छह दोस्तों का एक ग्रुप है, और वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्यूशन सेंटर, वहां वो पढ़ने जाते हैं। अब छह दोस्तों में से पांच दोस्त बोल रहे हैं कि सर कल की छुट्टी कर दो, लेकिन जो छठा दोस्त है वो बोल रहा नहीं सर मुझे तो पढ़ना है। तो जो पांच लोग होंगे वो छठे बच्चे पर क्या करेंगे, आंख दिखाएंगे, तुझे ज्यादा पढ़ने की हो रही है, तुझे ज्यादा होशियार बनना है, तुझे टॉप मारना है, एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकता। तो मतलब ये उस छठे बंदे को उन पांच दोस्तों का प्रेशर झेलना पड़ेगा, और वो भी उसको बोलना पड़ेगा कि सर कल की छुट्टी कर दो। समझ में आया? तो मतलब ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने मेंबर्स को प्रेशराइज करते हैं कि जो पूरा ग्रुप चाहता है वो आप भी मानो, और वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो सकता कि नहीं हो सकता। तो वही चीज है, एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। अब मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, 80 एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो स्ट्राइक करना चाहते हैं, लेकिन 20 एम्प्लॉयज हैं वो काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको सैलरी कमानी है। तो जो 80 लोग होंगे वो उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप एम्प्लॉय हो, आप हमारे साथ क्यों, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, प्रेशर करेंगे, तो फिर उनको वो बात माननी पड़ेगी, और हो सकता है वो जो प्रेशराइज कर रहे हैं, रिपीट, वो जो प्रेशराइज कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट में चला जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में चला जाए। समझ में आ गया पॉइंट बच्चों आपको, अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या, पूरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही अगेंस्ट में है, तो आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड वाले में कुछ अगेंस्ट में कुछ फेवर में, तो जो फेवर वालों को ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि आप हमारी बात मान। समझ में आ गया पॉइंट? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को करते हैं एंड, और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डेलीगेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।
तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।